सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन हेटर्स लोगों को बोलना चाहता हूँ, डैडी इज कमिंग, टा टा टा, पापा आ रहा है बेटा, पापा आ गया वापस। ये लोग पता है रॉकी पापा को लेके क्या बोल रहे थे, मींस यस पाजी को लेके क्या बोल रहे थे? ये लोग बोल रहे थे रॉकिंग स्टार यस ना, सिर्फ वो केजीएफ वाला स्टार है। साथ साथ उन लोगों ने एक चीज और मेंशन किया हुआ था, रॉकिंग स्टार की सिर्फ केजीएफ वाली फ्रेंचाइजी को लेके ना फैंस लोगों में दीवानगी है, बाकी दूसरा कोई चीज में दीवानगी नहीं है। कि रॉकी बाबा की 19वीं फिल्म कौन सी होने वाली है, 20वीं कौन सी होने वाली है, 21वीं फिल्म कौन सी होने वाली है। तो हेटर्स ट्विटर चलाते हो नहीं चलाते हो? तो ट्विटर को प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो, अगर तुम आईफोन रखे हो तो एप्पल स्टोर से इंस्टॉल कर लो, और साथ साथ आईडी बनाओ #yes19 एक बार सर्च करो, फिर तुम्हें पता चल जाए यस बाजी की अगली फिल्म को लेके कितना ज़्यादा हाइप है। तो प्लीज़ दोबारा से रॉकी बाबा को लेकर ना बकचोदी वाली चीज़ें ना मेरे पास भेजना मत, क्योंकि माता जब भी सनक जाएगा ना, हूँ बिहार से बाबू, कहाँ कहाँ फेलूंगा ना तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, समझो बात को। एक बार तुम्हारे आईडी को अगर मैं पब्लिक कर दिया ना, जो तुम लोग 2-4-10 लोग जो मिल के जो बहुत सारा ग्रुप बना के रखे हो, अगर एक बार मैं पब्लिक कर दिया ना, यस बाबा के फैंस लोग ना बम्बू लगा देंगे। बेटा कायदे में रहो तभी फायदे में रहोगे यार, नहीं तो लौड़ा लगाने में ना मुझे टाइम लगेगा ना रॉकी बाबा का फैंस लोग को। मैं ये चीज़ें इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग हैं जो रॉकिंग स्टार यस को लेकर ना काफ़ी गंदी गंदी चीज़ें भाई लेके मैसेज किए जा रहे हैं मेरे पास बहुत दिनों से यार, मतलब मैं कॉन्स्टेंटली भाई इन लोगों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगातार 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 ये लोग मैसेज कर रहे हैं। मैं बहुत सारे आईडी इन लोगों का ब्लॉक भी कर दिया, लेकिन भाई होता ना कि नया नया आईडी बना के फिर ये लोग मैसेज कर रहे हैं, ग्रुप में ऐड कर दे रहे हैं, जो इनका स्टार का जो ग्रुप है हाँ मुझे ऐड कर दे रहा है। अब ये लोगों को पता नहीं है बाबा औकात कितना है मेरा, 2 मिनट नहीं लगेगा लौड़े लगाने में, तो प्लीज़ सटकाओ मत दिमाग को। अभी तुम्हारे भाई का माहौल थोड़ा सा सही चल रहा है यार, क्योंकि मैं पता है अभी कोई कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। तो अब हमें बात करते हैं रॉकी बाबा को 19वीं फिल्म को लेकर, कौन से डायरेक्टर के साथ भाई की फिल्म होने वाली है। मैं तुम लोग यहाँ बहुत दिन पहले ही बता दिया था नाथन सर के साथ भाई रॉकी बाबा की फिल्म आने वाली है, बट उसके साथ साथ बहुत सारा भी रूमर ये भी निकल के आ रहा है कि एस शंकर के साथ रॉकी बाबा एक पीरियोडिक फिल्म करने वाला है, और कुछ लोग का ये कहना है कि ये भाई ये पीरियोडिक फिल्म नहीं होने वाला है, ये एक सुपर हीरो वाली फिल्म होने वाली है जिस फिल्म का बजट 1000 करोड़ बताया जा रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर ना 2-3 दिन से लोग ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं, नहीं वीडियो बना क्लेरिफाई कर क्या होने वाला है, सच में भाई अनाउंसमेंट होने वाला है। क्योंकि एक और रूमर निकल के आया था यश पाजी को 19वीं फिल्म का अनाउंसमेंट 5-12 तारीख को होने वाला है, बट एक चीज़ मैं तुम लोग यहाँ क्लियर एंड कट वाला चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ ना रॉकी बाबा को 19वीं फिल्म को लेकर ना बहुत कोशिश किया अंदर से कुछ ना कुछ चीज़ें निकालने का, बट सैड न्यूज़ ये निकल के आ रहा है अंदर से कुछ भी न्यूज़ नहीं निकल के आ रहा है। इनफैक्ट अंदर वाले लोगों का ये कहना है कि भाई कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि 19वीं फिल्म का अनाउंसमेंट कब होने वाला है। नो डाउट रॉकी बाबा बहुत सारे प्रोडक्शन कंपनी के टच में है, बहुत सारे डायरेक्टर लोगों के टच में है, ये फिल्म का अनाउंसमेंट को लेकर ना भाई अंदर अभी कोई भी खबर नहीं चल रही, कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं चल रहा है कि जिससे लगे कि नहीं भाई अभी इस फिल्म का अनाउंसमेंट होने वाला है। बट एक चीज़ और मैं तुम्हें यहाँ कहना चाहता हूँ, अभी वो टाइम है रॉकी बाबा अपने फिल्म का अनाउंसमेंट करेगा तो भाई माहौल बन जाएगा यार, क्योंकि एक तो अभी सोशल मीडिया भाई गर्म है रॉकी बाबा को 19वीं फिल्म को लेके, सारी जगह भाई अभी 19वीं फिल्म को लेके ही बातें चल रही है। सो यहाँ अगर थोड़ा भी कोई तेज प्रोडक्शन कंपनी होगी जो ये माहौल को मीन्स होता है ना ये बस को ना अच्छा लेवल पे यूज कर सके, वो प्रोडक्शन कंपनी ना भाई रॉकी बाबा के 19वीं फिल्म का अनाउंसमेंट कर दे। तो अगर ये लोग भाई अपने फिल्म का अनाउंसमेंट कर देते हैं तो भाई बहुत ही अच्छा चीज होगा, बट अभी तक इस फिल्म को लेके अंदर से कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग खबर नहीं निकल गया जिसे लगे कि नहीं भाई रॉकी बाबा की फिल्म का आज अनाउंसमेंट होने वाला है। और कुछ लोग का ये कहना है 17th of July को रॉकी बाबा को प्रॉपर हो जाएंगे फिल्म इंडस्ट्रीज में 14 ईयर, तो शायद इस मौका पे रॉकिंग स्टार यस अपनी अगली फिल्म का अनाउंसमेंट कर सकता है। ऐसा होप है कि शायद कुछ ना कुछ चीज़ें आ सकती है, बट हाँ एक चीज़ मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, अनाउंसमेंट होने वाला है बट इतना जल्दी अनाउंसमेंट होगा ये थोड़ा कहना मतलब होता है ना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मैं तुम लोग को पिछला वाला रॉकी बाबा के जो भी आने वाली फिल्म है उसमें ही मैं तुम लोग को बताया था
कि बहुत सारे स्क्रिप्ट रॉकी बाबा यहाँ लॉक कर दिया, मीन्स एक आधे स्क्रिप्ट रॉकी बाबा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, बस देर है अनाउंसमेंट का। और वो अनाउंसमेंट कब होगा, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पेशेंस रखो, जब भी होगा बड़ा तरीका से अनाउंसमेंट होगा यार। ऐसे नहीं कि बस आया अनाउंसमेंट हो गया, ये नहीं होगा यार। पहले वो लोग प्रॉपर पूरे तरीके से वो लोग सीनारियो क्रिएट करेंगे, उसके बाद वो लोग भाई अनाउंसमेंट करेंगे भाई। होप सो जल्दी अनाउंसमेंट हो तो और मज़ा आ जाएगा। बट हाँ, अब वो टाइम आ गया है कि तुम सबको कुछ ना कुछ बड़ा धमाका तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा यार। सो थोड़ा सा और वेट कर लो भाई, थोड़ा होता ना सब्र का फल मीठा होता है, ये मीठा नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मीठा होने वाला है यार। सो तुम लोग बताओ कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो मैंने रॉकी बाबा की अगले फिल्म मीन्स यस 19 को लेके, अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।